तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका द टेक प्रो में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग थॉमसन के 50 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टेलीविजन की। अब इस टीवी की क्या खास बात है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सब आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। और टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है, उसके फंक्शंस है, क्या स्टोरेज है, कौन से एंड्रॉयड वेरिएंट के साथ वो आता है, वो सारा आज आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए द टेक प्रो। तो ये टीवी का बॉक्स है और बॉक्स पर एक सिंपल सी ब्रांडिंग है, 50 इंच 50 ओथ प्रो 1212 यहाँ पर लिखा गया है। थॉमसन की तरफ से ये एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, 4K टीवी है, डॉल्बी विजन आपको मिल जाता है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, गूगल प्ले है, 3000 प्लस कंपैटिबल डिवाइसेस के साथ ये सिंक हो जाता है, DTS 2 सराउंड साउंड मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट मिलता है। ओवरऑल जो बॉक्स के ऊपर जानकारी है वो कुछ इस तरीके की, यहाँ पर 5000 प्लस एप्स और गेम आपको मिल जाती है, इंटीग्रेशन विद गूगल सर्विसेज है, क्वाड कोर प्रोसेसर का यूज किया गया है, कनेक्ट विद योर स्मार्ट होम डिवाइसेज। अब बात करते हैं रिमोट की। तो जो रिमोट आता है, रिमोट पे थोड़ी सी गोल्ड वाली फिनिश है और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा सिमिलर है नोकिया के रिमोट के जैसा, जैसे कि एंड्रॉयड टीवी के रिमोट आते हैं। काफ़ी सारे बटन हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी दी गई हैं, क्वालिटी भी वही आपको मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डेडिकेटेड आपको नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले, यूट्यूब और प्राइम वीडियो की हॉट कीज़ मिल जाती हैं, जो कि हमें हमारे नोकिया टीवी में प्राइम वीडियो की नहीं थी, वहाँ पर आपकी दूसरी जो की दी हुई थी जिससे कि आप अपने फोल्डर वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो कीज़ वगैरह काफ़ी मिनिमल है, डिज़ाइन काफ़ी स्लीक सा है, स्लिम सा डिज़ाइन है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको रिमोट पर मिल जाती है। बैटरी जो है साथ में मिलती है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल टीवी की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक बॉडी है, एजेस जो हैं वो आपको उभरे हुए बाहर की तरफ ही दिख जाते हैं, जो बेजल्स हैं। बॉटम सेंटर में आपको थॉमसन का लोगो मिलता है और उसी के नीचे आपको सारे जो सेंसर हैं वो मिल जाते हैं। अगर टीवी स्टैंड बाय मोड पर है तो वहाँ पर रेड लाइट होती है और ऑन कर देते हैं तो वो लाइट ग्रीन हो जाती है, सेम ही लाइट है। तो पोर्ट्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रेगुलर एंटीना वाला पोर्ट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट है, 3 HDMI पोर्ट है, लैन केबल है। अगर मैं बात करूं USB पोर्ट्स की तो USB पोर्ट जो है वो दोनों पैरेलल इस तरीके से दिए हुए हैं कि अगर आप दो USB एक साथ यूज़ करना चाहेंगे, पेन ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ लगी मुझे कि ये थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये कि टीवी के एज से उन जो पोर्ट्स का जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। टीवी के बैक साइड में आपको थॉमसन एंड्रॉयड टीवी का जो वो मिल जाता है, पावर कंजम्पशन 120 वॉट है, 50 ओथ करके जो इसका नाम है, और ये पावर कॉर्ड है तो इसे आप इस तरीके से प्लग कर सकते हैं। डिटैचेबल पावर कॉर्ड यहाँ पर दी गई है, कोई फिक्स नहीं है टीवी में। तो फर्स्ट स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, टीवी को अगर बूट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। सबसे पहले थॉमसन का लोगो आता है, उसके बाद आता है एंड्रॉयड का लोगो, और टीवी जो है बूट होता है गूगल की होम स्क्रीन पर। तो टीवी को बूट करते ही जो गूगल होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके की आपको दिखती है। कलर रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छा है, एप्लीकेशन डिफॉल्ट जो इसमें इंस्टॉल्ड है, हॉटस्टार है, गूगल प्ले है, एक मीडिया प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, वो सब आपको मिल जाते हैं। तो इंटरफेस जो है वो आपको एक रेगुलर एंड्रॉयड टीवी की तरह ही यहाँ पर दिखने वाला है। और अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो रेगुलर सेटिंग्स वही हैं जो हमें एंड्रॉयड टीवी में मिलती हैं, जैसे कि आपके नेटवर्क से रिलेटेड है, इनपुट है, अकाउंट है, आपकी एप्लीकेशंस हैं। तो इनपुट में आपको HDMI मिल जाते हैं, 3 HDMI 2 USB पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हैं, एप्लीकेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ऐप परमिशन, स्पेशल एक्सेस वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाता है।
तो जैसे कि अगर आप कोई स्मार्ट बैंड यूज़ कर रहे हैं या कैमरा आपने कनेक्ट किया हुआ है या कोई आपने एक्सेस दिया हुआ है उस एप्लीकेशन को, डिवाइस परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जाते हैं अबाउट डिवाइस में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है आपको। तो अगर मैं बाकी बात करूँ स्टेटस वगैरह की तो ये तो खैर अलग ही चीज़ है, सीरियल नंबर वगैरह है यहाँ। अगर हम जाते हैं एंड्रॉयड वर्जन में तो एंड्रॉयड 9.0 यहाँ पर आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये फ्यूचर अपग्रेडेबल होगा जो भी अपडेट आएंगे इसके बाद, तो ये कन्फर्मेशन कंपनी की तरफ से अभी नहीं है। बाकी अभी जो बेस आपको मिलता है वो 9.0 मिलता है। और सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं अप्रैल 5 का है 2020 का ही, तो ये भी लेटेस्ट है। डेट एंड टाइम वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ स्टोरेज में तो आउट ऑफ दी 8 GB आपको मिलती है 4.3 GB, जिसमें आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जो है वो सिस्टम की मेमोरी है। तो 8 GB में से आपको 4.3 GB यहाँ पर मिलती है। बाकी और वही सब सेटिंग है होम स्क्रीन पे, अगर आपको कुछ सेटिंग वगैरह करनी है गूगल क्रोमकास्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। नेटवर्क वगैरह, एक्सेसिबिलिटी, पिक्चर मोड, साउंड मोड जो प्री डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो प्री डिफाइंड पिक्चर मोड है जैसे कि स्टैंडर्ड, विविड, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, और अगर इसके अलावा आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो वो आप यहाँ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी और मोड में जाना पड़ेगा। जैसे ATV मोड में चले जाइए, AV मोड में चले जाइए, या फिर आप HDMI मोड में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा TV सेटिंग का, जहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जैसे अगर कोई पिक्चर मोड डिफ़ॉल्ट आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें भी ब्राइटनेस वगैरह को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। गामा मोड को डार्क, लाइट, ब्राइट कुछ भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साउंड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। अब MEMC टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया था यहाँ पर, वो मुझे नहीं दिखा। और यहाँ पर DI फिल्म मोड दिया हुआ है, तो आई गेस ये वही है, और इसमें आप इसे कम ज़्यादा ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो में वो ऑटो मोड पे चला जाता है। साउंड मोड वही है, यहाँ पर आपको DTS ट्रू सराउंड साउंड मिलता है। ऑटो वॉल्यूम में होगा क्या कि जितनी वॉल्यूम जो है रिक्वायर्ड होगी वो वॉल्यूम TV ऑटोमेटिकली ले लेगा। और ऑडियो टाइप जो है नॉर्मल है। यहाँ पर आपको सेटअप में ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फास्ट बूट का ऑप्शन है, तो रिमोट से अगर आपने इसे ऑफ कर दिया है तो फास्ट बूट में जो है वो फास्टली बूट हो जाएगा। ऑटो स्टैंड बाई में होता क्या है कि TV अगर इनएक्टिव रहेगा, उसे कोई कंट्रोल नहीं मिलेंगे कुछ सेकेंड में, तो वो वहाँ पर आपको ये वाली वॉलपेपर जो है स्क्रीन दिखा देगा। HDMI 2.0 से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यूट्यूब को अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर जो है एनी हाउ आई डोंट नो कि सर्च का जो ऑप्शन था वॉइस सर्च का, वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, तो मुझे मैन्युअली टाइप करनी पड़ी है चीज़ें। और पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ये पिक्चर क्वालिटी है जिसको आप देख सकते हैं। और TV पर आपको एक प्री अप्लाइड लेमिनेशन मिलती है जिसको आप इंस्टॉलेशन के बाद हटा सकते हैं, और नहीं भी हटाना चाहते हैं तो आप उसे रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वो हटाना ही है। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी वाइज जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है इस बजट प्राइस में। ध्यान रखिएगा इस बजट प्राइस में, अगर मैं और जो है बजट अपना बढ़ा देता हूँ तो और पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। हालाँकि इस लेवल पर, इस बजट में थॉमसन ने जो काम किया है वो भी काबिले तारीफ आप कह सकते हैं, क्योंकि कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। अब ये वीडियो आप देखिए और इसमें देखिए कि ब्लैक जो है वो एक्चुअल में ब्लैक है, वो ग्रे नहीं है, और फ्रेम रेट है, क्वालिटी है ब्लैक की, कलर्स रिप्रोडक्शन है, वो एकदम जस्टिफाई कर देता है अपने प्राइस को। तो यहाँ पर कोई भी इशू आपको डिस्प्ले वाइज तो नहीं होने वाला है इस बजट रेंज के अकॉर्डिंग।
पर अब फाइनली कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट, क्योंकि साउंड की क्वालिटी भी आपको सुनवाना जरूरी है। तो साउंड की बात अगर मैं करूं तो ये है इसका साउंड आउटपुट। साउंड की क्वालिटी जो है काफ़ी डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई बेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं है। रेगुलर स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिल गए हैं, तो क्वालिटी वाइज काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड साउंड है अगर आप मूवीज़ वगैरह घर पे देख रहे हैं। बट टीवी का जो साउंड है वो 100 पर स्पीकर बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, कोई भी आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, साउंड काफ़ी अच्छा है। तो नो कॉपीराइट साउंड आप देख सकते हैं। म्यूज़िक मोड यहाँ पर दिया गया स्टैंडर्ड है और मूवी वगैरह मोड दिए गए हैं, तो अलग अलग मोड में जो है साउंड पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। और साउंड जो है अब आई डोंट नो कि कैमरा जो है उस तरीके का कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट साउंड की क्वालिटी डिसेंट है इस प्राइस रेंज में और आप आराम से मूवीज़ वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है इस टीवी को लेकर या हमारे चैनल को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सभी कमेंट्स का आंसर करने की। और बस यही है। तो टीवी की ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, बाकी सबसे कंपेयर करूं, अगर मैं नोकिया मोटरोला और इन सबसे कंपेयर करता हूं तो आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा। और थॉमसन और कोडेक जो है सेम ही जगह पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक ही मैन्युफैक्चर है उनका, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी सेम है। और आई वुड से कि 50 इंच का जो टीवी है प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है, फंक्शंस वहां पर सारे ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस वाइज कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25,000 में आपको 50 इंच का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टेलीविजन मिल रहा है। एंड्रॉइड 9.0 वहां पर आपको मिलता है, 8GB रैम मिलती है हालांकि, और 1.75GB रैम मिलती है। तो बजट टीवी है और स्पीड अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन भी एक अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री मैं कहूँगा। अगर आपका बजट कम है और आप एक डिसेंट टीवी परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। पर्सनली मतलब वीडियो खत्म होने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो सारी बजट के अकॉर्डिंग है। अगर आपका बजट कम है और आप एक बड़ा स्क्रीन वाला टीवी चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये था मेरा सजेशन इस थॉमसन 50 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टेलीविजन के लिए। बस।